इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिटकॉइंस के बारे में 10 फैक्ट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं एसएससी ट्रिक चैनल। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार। तो चलिए शुरू करते हैं। या हु क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन? बिटकॉइन वॉज क्रिएटेड बाई सातोशी नाकामोटो, पर इनका आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये एक पर्सन थे या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स थे। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले ये बिटकॉइन आया कब मार्केट में? इट वॉज रिलीज एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑन 3 जनवरी 2009, लेकिन 2009 में इससे कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ इससे। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं, वॉट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन है क्या आखिर? इट इज़ अ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, इट यूजेस पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, मतलब बीच में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है। जैसे अगर मुझे कुछ ट्रांसफर करना है, बिटकॉइन आपको सेल करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली सेल करूंगा, बीच में कोई गवर्नमेंट या RBI या कोई भी बैंक नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट आपको बिटकॉइन सेल कर सकता हूँ, आप परचेज कर सकते हो मेरे से। ठीक है, इट कैन बी स्टोर्ड डिजिटली वर्चुअली, या तो डिजिटली या तो वर्चुअली स्टोर किया जा सकता है, मतलब आपके पास है तो जैसे पेटीएम में आपके पास कैश रहता है, तो वैसे बिटकॉइन भी आपके पास रहेगा, आप जब इसे ट्रांसफर करना चाहोगे तब ट्रांसफर हो जाएगा। एंड यूज्ड एज ए पेमेंट सिस्टम, मतलब कुछ आप खरीदने के लिए, कुछ बाई करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इट हैज़ नो फिजिकल अपीयरेंस, जैसे पेटीएम में आपके मनी होता है, उसे आप विदड्रॉ करके बैंक अकाउंट के थ्रू आप वो मनी आपके हाथ में आ सकता है, जैसे कॉइन्स के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, लेकिन ये आपका नहीं आ सकता हाथ में, तो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इट इज़ ए वर्चुअल करेंसी। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिटकॉइन। एक बिटकॉइन, वन बिटकॉइन इक्वल टू $11,250, जो कि इक्वल टू होता है 7,24,781 इंडियन रुपीस। ये जो वैल्यू है 4 दिसंबर का है वैल्यू। ठीक है, अगला फैक्ट्स पे आ जाते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या था बिटकॉइन का जब ये आया था मार्केट में? 2009 में जब आया था, पब्लिश हुआ था एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो उस समय को ट्रेड नहीं किया गया था, 2009 में इसका ट्रेडिंग नहीं हुआ था, मतलब कोई सेल परचेस नहीं हुआ था, लेकिन 2010 में इसका वैल्यू $0.39 हो गया। अब देख लेते हैं, आप ये टर्म बार बार पढ़ रहे होंगे, बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन वेरीफाइंग बिटकॉइन ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड बिटकॉइन माइनर्स। वो लोग जो कि बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ कुछ पैसे, या आप मुझे कुछ बिटकॉइन सेंड कर रहे हो, तो बीच में एक माइनर होता है जो कि वेरीफाई करता है इस ट्रांजेक्शन को। दिस वर्क दे चार्ज फीस इन बिटकॉइन, इस काम के लिए वो फीस लेता है। सपोज करो आप 10 बिटकॉइन मुझे सेंड कर रहे हो, तो इस जो बिटकॉइन माइनर होगा वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगा करके, तो इसके लिए वो कुछ फीस लेगा। सपोज करो 10 बिटकॉइंस के बदले वो 0.25 बिटकॉइन ले सकता है। अभी तक का हाईएस्ट बिटकॉइन माइनर्स कहाँ पर है? चाइना से ऑपरेट करते हैं हाईएस्ट बिटकॉइन माइनर्स। रेगुलेटर कौन होता है? नो कंट्री और गवर्नमेंट इज द रेगुलेटर ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। कोई भी कंट्री या गवर्नमेंट या बैंक इसका रेगुलेटर नहीं होता। So it is suspected that Bitcoin transactions will promote smuggling, illegal activities, etc. इसलिए ये शक किया जाता है, ये चांसेस है कि इसमें स्मगलिंग हो सकता है, इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है। नो टैक्स इज पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इसमें, इस ट्रांजेक्शन में कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। इज इट अनलिमिटेड, क्या ये अनलिमिटेड बिटकॉइन है मार्केट में? नहीं, देखते हैं। मैक्सिमम लिमिट इज 21 मिलियन बिटकॉइंस। कितने बिटकॉइंस आ सकते हैं टोटल? 21 मिलियन, और ये कब तक आ सकते हैं? 2140, मतलब आज से करीब करीब 120 साल बाद तक। प्रेजेंट
सर्कुलेशन कितना है मार्केट में? 16.4 मिलियन ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 78% ऑफ द मार्केट ऑफ द टोटल बिटकॉइंस है। क्योंकि बिटकॉइंस का नंबर फिक्स्ड है कि 21 मिलियन से यह आ सकता है, इसलिए इसके वैल्यूज काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। इंडिया का क्या पोजीशन है, क्या इंडिया में लीगल है, इलीगल है, बैन किया हुआ है या नहीं, तो देखते हैं। नो क्लियर रेगुलेशन, यहां पर कोई भी क्लियर रेगुलेशन नहीं है, लेकिन बैंड भी नहीं है जैसे, और इलीगल भी नहीं है। इलीगल है नहीं है इंडिया में, ठीक है। इलीगल कहाँ कहाँ है? सऊदी अरेबिया, बोलीविया, किर्गिस्तान, इक्वाडोर एंड बांग्लादेश, इवन हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में इलीगल है। कुछ अदर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। आप किसी भी रिसीवर को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको बिटकॉइंस लेने ही लेने हैं। जैसे आपके मनी रुपीस को कोई नहीं ले रहा है तो आप उसे फोर्स कर सकते हो। सेकेंड, परचेज वॉज फॉर पिज्जा, 22nd में इज सेलिब्रेटेड एज बिटकॉइन पिज्जा डे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए, एग्जामिनेशन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, पर आपको जानने चाहिए। बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स कांट बी रिवर्स्ड, जैसे एक बार आप बिटकॉइन दे दिए हो किसी को तो वहां से आप ये वापस नहीं ले सकते हो। आप कुछ सामान खरीद लियो बिटकॉइन से, अगर आपको वो सामान नहीं चाहिए आप रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे अमेजोन से आप कुछ खरीद लेते हो तो वापस कर देते हो और पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, पर यहाँ पर नहीं हो सकता है, रिफंड नॉट पॉसिबल। फोर्थ, ए न्यू ब्लॉक ऑफ कॉइन इज सॉल्व एवरी 10 मिनट्स, नए बिटकॉइंस हमेशा आ रहे हैं मार्केट में। फिफ्थ, वन बिटकॉइन ट्रांजेक्शन कंज्यूम्स 3994 टाइम्स मोर एनर्जी देन ए क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी पावर का कंजम्पशन होता है, करीब करीब 4000 टाइम्स ज़्यादा। क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन होता है उससे 4000 टाइम्स से ज़्यादा इसमें पावर का कंजम्पशन होता है, इसलिए बिटकॉइन माइनर्स अपने फीस लेते हैं, और वो फीस अगर इस पावर कंजम्पशन से कम है तो वो बिटकॉइन माइनिंग नहीं करेंगे। तो यही थे टोटल फैक्ट्स अबाउट बिटकॉइन से रिलेटेड। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। जाने के पहले नीचे यहाँ पर एक आपको एसएससी ट्रिक का लोगो दिख रहा होगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय। स्वागत करेंगे सबका स्वागत।